नमस्कार दोस्तों, आज हम मैथमेटिक्स का नया पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द ट्रायंगल। ध्यान से समझिए, फंडामेंटल हम आज इसका बेसिक ट्रायंगल का बेसिक पार्ट में ही लेके चलेंगे, तो पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री ऐसे करके चलेंगे। तो ज्योमेट्री में हम चलते हैं त्रिभुज, ट्राइंगल और इसे पार्ट वन कहेंगे, ठीक है? बेसिक है ये, इसे हम बेसिक लेके चल रहे हैं। तो आज बेसिक की बात करेंगे, ट्रिंगल के पूरे बेसिक की ही बात करेंगे। फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ध्यान से समझिए, अगर बेसिक समझ में आ गया तो फिर बाकी सब समझ में आता चला जाएगा। ओके, आइए तो देखते हैं कि बेसिक में होता क्या है। तो बेसिक में पहला क्वेश्चन हमारा खड़ा होता है आकर के, ये ट्रिंगल होता क्या है, त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज का मतलब क्या, ट्रिंगल, ट्राइंगल, इसका मतलब क्या, ठीक है? तो फ्रेंड्स, कोई भी ऐसी फिगर जो थ्री लाइंस के द्वारा बनी हो, थ्री लाइंस के द्वारा, लेकिन वो क्लोज्ड हो, मतलब इसकी डेफिनेशन को अगर हम क्लियरली करना चाहें तो हम इस तरह से कह सकते हैं, अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्टिंग लाइंस इज कॉल्ड ट्रायंगल। द क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस, तीन इंटरसेक्टिंग लाइंस के द्वारा बनी हुई एक फिगर, उसे हम त्रिभुज कहेंगे, ठीक है? उसे हम क्या कहेंगे, ट्रेंगल कहेंगे। तो अब ट्रेंगल कहने के लिए, मतलब अगर इसकी बात को हम मान के चलें, तो ऐसे करके तीन लाइनें जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, ऐसी तीन लाइनें, उनको हम ट्रेंगल कहते हैं, ठीक है? तो लाइन की डेफिनेशंस में अगर हम जाएं, थोड़ा स्लो हो जाएगा। ये मान लीजिए दो लाइन है, एक लाइन है, एक लाइन ये है, ये लाइन का रिप्रेजेंटेशन हमने लाइन वाले चैप्टर में बताया है आपको। और ये जो पॉइंट जहाँ पे ये कट कर रहे हैं, इनको हम अगर कोई नाम दे दें, जैसे ए बी सी, तो ये ट्रेंगल हो जाएगा, ट्रेंगल ए बी सी। यहाँ पर भी बात आ गई कि हम ट्रेंगल को मैथमेटिक्स की भाषा में कैसे रिप्रेजेंट करें, राइट? कैसे रिप्रेजेंट करें, तो उसको हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करें, ट्रेंगल ए बी सी। जब हम इसके ट्रेंगल्स के काइंड्स की बात करेंगे, तो फिर हम बताएंगे कैसे क्या करना है। तो ये तीन पॉइंट, ठीक है? तो ये ट्रेंगल बन गया। अब ट्रेंगल होने के लिए, अगर कोई तीन लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, कोई बात नहीं, वो ट्रेंगल ही बनेगा। लेकिन ट्रेंगल के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, तो इनको अगर हम बात करें, इसके नेमिंग की बात करें, तो इसको हम, इनको ये जो पॉइंट्स बने हुए हैं, जहां पे कट करके पॉइंट्स बने हुए हैं, इनको हम वर्टिसेस कहते हैं। तो ये संख्या में तीन होते हैं, ठीक है? एक ये वर्टेस, एक ये, एक ये, तीन वर्टेस हो गए। ट्रेंगल की तीन साइड्स होती हैं, जैसे ये ए बी बी सी सी ए, ए बी बी सी सी ए, ए बी बी सी सी ए या ए सी, ये साइड्स हो गई। तो थ्री साइड्स होंगी ट्रिंगल में, साइड्स का नंबर भी तीन हो गया। अब क्या रह गया, अब रह गया कि ये एंगल बनते हैं। तो एंगल ए हम कह सकते हैं, एंगल बी, एंगल सी, इसका मतलब यहां पर तीन एंगल्स होंगे, यानी एंगल्स का नंबर भी तीन ही होगा। तो बात क्लियर हुई कि ट्रेंगल है तो वहां पर ये चीजें होंगी, तीन वर्टिसेस होंगे, तीन साइड होंगी, तीन एंगल्स होंगे। एंगल्स का हम रिप्रेजेंटेशन आपको बता चुके हैं कि इस तरह से एंगल ए,
एंगल बी को लिखना है इस तरह से, एंगल सी को लिखना है तो इस तरह से, या फिर इस एंगल एंगल बी को लिखना है तो हम लिखते हैं एंगल ए बी सी, यानी कि बी को हमने बीच में रखा जब एंगल बी की हम बात कर रहे हैं, या हम इसी को लिख सकते हैं इस तरह से सी बी ए, इधर से लिख दें ऐसे करके या इधर से लिख दें ऐसे करके, कोई बात नहीं, जिस एंगल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो एंगल हमारा बीच में होना चाहिए, वो लेटर जिस जिस लेटर के द्वारा हमारा एंगल रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो लेटर बीच में होना चाहिए, या सिंपली हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक बात ठीक। दूसरी बात, साइड्स जो होती हैं उनको हम इसी तरह से लिखते हैं, साइड ए ये, लेकिन एक सेकंड वे और है कि जिस एंगल के सामने की साइड होगी उसको हम उसी एंगल के नाम से, जो लेटर इसके लिए हमने यूज़ किया है कैपिटल, उसके स्मॉल लेटर से उसकी फ्रंट वाली साइड को यूज करेंगे। वी कैन से द अपोजिट साइड ऑफ द एंगल, सी का है तो ये स्मॉल सी के, ए का है तो ये स्मॉल ए, तो ये साइड्स को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी बी सी साइड को हम कहेंगे, इसको कहेंगे हम स्मॉल ए, सी ए साइड को हम कहेंगे स्मॉल बी, और ए बी साइड को हम कहेंगे स्मॉल सी। इस तरह से भी आगे आपको देखने को मिलेगा, कोई बात नहीं है। तो ये रहा आपका रिप्रेजेंटेशन, और इसके बाद एक थर्ड वन कंडीशन आगे बढ़ती है जो बहुत ही जरूरी है। तीसरी कंडीशन बहुत जरूरी, बहुत बेसिक्स की बातें लेके चल रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स आराम से अगर आप समझेंगे तो बहुत समझ में आ जाएगा और आगे बहुत काम देंगे। कोई भी फिगर ट्रिंगल है, जैसे ए बी सी, अगर कोई भी फिगर ट्रिंगल है, यानी ट्रिंगल ए बी सी, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि ट्रिंगल की किन्हीं दो भुजाओं का योग, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रिंगल, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रिंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तीसरी साइड से बड़ा होता है। अब अगर इसी की लैंग्वेज में हम लेना चाहें तो इसकी तीन साइड हो गई, एक हो गई ए बी बी सी सी ए सी ए, इसको हम कह सकते हैं ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन सी ए, ये होनी चाहिए इसके अनुसार। दूसरा ए बी बी सी के बी सी सी ए कर दें, बी सी प्लस सी ए इट शुड बी ग्रेटर देन ए बी, या ए बी प्लस सी ए शुड बी ग्रेटर देन बी सी, ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं है तो हमारा ट्रायंगल नहीं बनेगा। उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास थ्री साइड्स दी हुई हैं, एक 5, एक 8, एक 13। अगर ये तीन साइड दी हुई हैं तो इनसे बना हुआ ट्रायंगल कैसा होगा ये अगर फाइंड करने को आ जाए तो देखिए, ध्यान से देखिए, पहली साइड और दूसरी साइड इन दोनों का अगर हम सम करते हैं 5 + 8 इज इक्वल टू 13। कंडीशन क्या कहती है, ये इसके बराबर हो गया तीसरी साइड की, और कंडीशन क्या कहती है कि किन्हीं दो साइड्स, कोई भी दो साइड्स का अगर सम करें तो वो तीसरी से बड़ा होना चाहिए। यहाँ बड़ा हो नहीं रहा है, इट मीन्स इस इन साइड्स के द्वारा कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है। ये कंडीशन हमें ध्यान में रखनी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, ये कंडीशन आने के बाद में अगर अब हम आगे देखते हैं कि ट्रायंगल के टाइप्स क्या होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स, कितने टाइप्स होते हैं और क्या होते हैं, वो एक एक करके देखते जा रहे हैं और एक एक करके बताते भी जा रहे हैं कि वो कैसा होगा।
त्रिभुज के या ट्रेंगल के जो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ ट्रेंगल, ये दो तरह से डिवाइड हो सकते हैं। इसको ध्यान से देख लीजिए, एक तो भुजाओं के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ठीक है, यानी भुजाओं के आधार पर, एक बात, एक हो सकता है एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, बेसिस ऑफ एंगल यानी कि कोणों के आधार पर, आधार पर एंगल्स। तो पहले हम बात करते हैं भुजाओं के आधार पर। पहले टाइप का जो होता है वो होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, इसे इक्विलैटरल ट्रिंगल कहते हैं। इसका मतलब समबाहु सभी भुजाएं समान, ऑल साइड्स आर इक्वल, समान, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऐसा ट्रायंगल आपका समबाहु त्रिभुज होगा। देख लीजिए जरा, ऐसे करके अगर ये इसकी सारी भुजाएं, थोड़ा डिस्टर्ब रहा, कोई बात नहीं, कुछ लगना चाहिए ऐसा कि हाँ सभी भुजाएं इसकी बराबर हैं। ये ए बी सी, अगर इसमें हम ये कहते हैं कि ए बी इज इक्वल बी सी इज इक्वल सी ए, तो हम ये बराबर इसके बराबर इसके, तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपका समबाहु त्रिभुज है। ठीक, दूसरा सम द्वि बाहु त्रिभुज। समद्विबाहु आइसो स्केलन ट्रिंगल, ओनली टू साइड्स आर इक्वल, कोई दो भुजाएं बराबर हो, लाइक लगना चाहिए इसमें दो भुजाएं बराबर हों, एज्यूम कर लीजिए, थोड़ा क्लियर फिगर बन नहीं रही है, ऐसे कह सकते हैं हम, इसमें ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ए बी सी, इट मीन्स ए बी इज इक्वल ए सी या सी ए, तो ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक, थर्ड वन विषमबाहु त्रिभुज। और इसको कहते हैं स्केलन ट्रिंगल, ठीक है, स्केलन ट्रिंगल, इसका मतलब वो त्रिभुज जिसकी कोई भी साइड बराबर ना हो, जिसकी कोई भी साइड बराबर ना हो,
ऑल साइड्स आर डिफरेंट डिफरेंट। ठीक, तो इस त्रिभुज को हम ऐसे ले सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं ए बी सी, ए बी नॉट इक्वल टू बी सी, नॉट इक्वल टू सी ए। ठीक है, इनमें से कोई किसी के बराबर नहीं है, वो आपका विषमबाहु त्रिभुज होता है। इनकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि इसमें समबाहु त्रिभुज में जो भी एंगल्स होते हैं, ये एंगल्स साइड बराबर होती है, इसलिए ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक, यानी एंगल ए इज इक्वल एंगल बी इज इक्वल एंगल सी। समद्विबाहु में एनी टू एंगल्स, कौन से दो एंगल, इन अपोजिट साइड्स, क्योंकि दो साइड बराबर हैं, तो इस साइड के सामने का एंगल लिए, इसके सामने का एंगल लिए, तो जो साइड्स इक्वल है उनके सामने के एंगल बराबर, यानी एंगल बी इज इक्वल एंगल सी। टू एंगल अपोजिट साइड्स एंगल आर इक्वल, ये इक्वल होते हैं। यहां पे नो साइड इक्वल, नो एंगल इक्वल, नो एंगल इक्वल, यहां पे कोई एंगल इक्वल नहीं होता है, यानी एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल बी नॉट इक्वल टू एंगल सी। ओके फ्रेंड्स, ये रही एक बात जिसको हम कह के चलें कि ये है आपका साइड्स के बेसिस पे। अब हम देखते हैं बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के आधार पे क्या होता है। तो पहले काइंड्स का होता है उसमें राइट एंगल कह सकते हैं हम, राइट एंगल ट्रिंगल, सम कोण त्रिभुज। ठीक, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का मतलब एनी वन, ऐसे में कोई एक एंगल, एनी वन एंगल त्रिभुज का, कोई भी एक एंगल ये इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे ये है तो ये आपका 90 डिग्री का हो गया। अगर हम इसे ए बी सी इस तरह से कहते हैं तो इसका कोई एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, उसे हम राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज कहते हैं। नेक्स्ट, न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज कौन सा होगा जिसमें ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, यानी सारे ही एंगल 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए, तो वो समथिंग इस तरह का ट्रायंगल होगा, लाइक दैट ए बी सी, ये सारे ही एंगल 90 से कम है। ठीक, ओके फ्रेंड्स, आ रही बात समझ में। देखिए, समझना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, अगर समझ में आ गया तो बाकी का, जब तक ये समझा रहे हैं तभी तक चलो हैं, बाकी तो बहुत फास्ट हो जाएंगे, तो समझना बहुत जरूरी है। और थर्ड वन रह गया अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, इसी के अधिक कोण त्रिभुज,
अधिक कोण त्रिभुज। इसमें क्या होगा, ओनली वन एंगल लेस देन 180 डिग्री, कोई भी एक कोण 180 से कम होना चाहिए, इसका मतलब वो कुछ इस तरह का होगा। ये कोण ए बी सी, तो यहां पे हम एंगल बी, सॉरी एंगल बी इज लेस देन 180 डिग्री, तो वो आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा, या हम कह सकते हैं उसे अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो ये तो रहे इसके काइंड्स, और इन काइंड्स के बाद में एक इसकी प्रॉपर्टी आती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, अगर ये आपको बात समझ में आ रही है और इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये वीडियोस आपको समझ में आती हैं बढ़िया, ठीक से दिख भी ठीक से रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो आप हमारे चैनल को क्विक इजीली डन को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिस उससे बेनिफिट ये होना है कि आपको जो वीडियोस आएंगी, जो भी मैं अपलोड करूंगा, कोई निश्चित टाइम नहीं है, कोई फिक्सेशन नहीं है कि मैं तभी करूंगा, मैं कभी भी करता हूं, जब भी बनाता हूं वीडियो को उसके बाद मैं अपलोड करता हूं एडिटिंग के बाद में, तो उसका नोटिफिकेशन जब भी वो वीडियो अपलोड करूं मैं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपका कोई जानने वाला पहचानने वाला भाई बहन रिश्तेदार में से जो 9th क्लास में पढ़ रहा है या मैथ से पढ़ रहा है, तो उसको फंडामेंटल बहुत ज़रूरी है, 9th, नॉट ओनली 9th क्लास, फंडामेंटल बहुत ज़रूरी है, तो उसको शेयर कर सकते हैं आप, वो उनको सब्सक्राइब करा सकते हैं, तो सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा बेनिफिट होगा। ओके, तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं, और आगे जो अगला पॉइंट हम लेने वाले हैं उसके साथ ही लगभग ये वीडियो फिनिश कर देंगे, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है फिर। ओके जी, चलिए आइए फ्रेंड्स देखते हैं। पहला, इसकी एक पहली प्रॉपर्टी निकल के आई, ये आपको माइंड रखनी है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल 180 डिग्री। ओके, वो ऐसे, ये कोई ट्रायंगल, अब इसमें ये कोई भी ट्रायंगल हो, समझ रहे मेरी बात, कोई भी ट्रायंगल, कोई भी मतलब चाहे तो वो समकोण हो, न्यून कोण हो या अधिक कोण हो, मैंने ये न्यून कोण ही बनाया है, कोई भी हो, उसमें उसके इंटरनल एंगल्स, अंतः कोण बोला है यहां पे, इसका मतलब इंटरनल एंगल्स का जो सम है, अगर ये ए बी और सी कहूं मैं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल 180 डिग्री, ये आप ध्यान कर लीजिए। ठीक, पहली प्रॉपर्टी तो ये है। दूसरी प्रॉपर्टी, त्रिभुज के सभी तीनों बाह्य कोणों का योग 360 होता है, त्रिभुज के, त्रिभुज ये कंडीशन जो है ये त्रिभुज के लिए भी नहीं है, सबके लिए, कोई भी बाहुभुज कह दीजिए आप, पॉलीगन
या ट्रेंगल, ठीक है। ध्यान से, ट्रेंगल के सभी सभी तीनों, सभी को मतलब तीन ही कहेंगे हम, ट्रेंगल में तीन कहेंगे और मैं और ज़्यादा हो सकते हैं, जितने भी होंगे सबका जो एडिशन होगा या योग, एंगल्स का जो योग होगा वो 360 डिग्री के बराबर होगा। वो कैसे होगा वो देख लेते हैं फटाफट। देखिए वैसे तो इसके ए बी सी बाह्य कोण कई एक हो सकते हैं, लेकिन हमने एक लाइन को एक बार ही एक्सटेंड करना है। अगर हम एक लाइन को एक बार एक्सटेंड कर देते हैं, ये लाइन हमने एक्सटेंड कर दी इधर, ये कौन सी लाइन की है, बी सी, तो इसको हम इस साइड में एक्सटेंड नहीं करेंगे, ठीक है, इस साइड में एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो बाह्य कोण क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक। इसी तरह से हम इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं तो बाह्य कोण बनेगा ये वाला। इसी तरह से हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं तो बाह्य कोण बनेगा ये वाला। तो मान लीजिए कि ये कोण इक्विलेटरल ट्रेंगल है, ये कोण 60 अंश का है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो ये 60 60 के हो गए, तो ये बचा 120, ये बचा 120 और ये बचा 120। अगर इन तीनों का एडिशन किया जाए, 120 प्लस 120 प्लस 120 इज इक्वल 12 36 360, ठीक। यहां तक बात समझ में आ गई। इसको एक ही साइड में आपने बढ़ाना होगा, है ना, दूसरी साइड में नहीं। तो ये तीन ही एंगल बनेंगे, इसमें बाह्य तीन ही एंगल बनेंगे, ठीक है, ओके। इसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, मैं एक बात और, कि कहीं आप ऐसा मत कर देना कि तीन के अलावा इसमें ज़्यादा बनेंगे ट्रेंगल, ऐसे करके आप इस लाइन को भी आगे बढ़ा दें, इसको बाह्य कोण कह दें, फिर इस लाइन को इधर आगे बढ़ा दें, इसको बाह्य, इसको भी आगे बढ़ाएं तो ये पूरा बाह्य हो जाएगा। तो इस तरह से तो बहुत सारे कोण बन जाएंगे, लेकिन नॉर्मली हमें एक लाइन को एक ही बार आगे बढ़ा करके तीन कोण बनाने हैं, ठीक है। तो उनका जो एडिशन आएगा वो 360 आएगा, ये बात हमें ध्यान रखनी है, ओके। चलिए ये होगी एक बात, एक और बात रह गई है, बस उसे करने के बाद में फिर हम इसे फिनिश करते हैं। और वो अगली बात ये है कि किसी भी ट्रिंगल में, ये कोई ट्रिंगल हमने बना लिया, इस तरह से मान लीजिए ए बी और सी ट्रेंगल है ये, ठीक है। इस कोण से मध्यका खींची जाए, माध्यका, मीडियन कहते हैं उसे, मीडियन, ठीक है, यानी कि इस एंगल को मिडिल में करते हुए, आधा आधा करते हुए लाइन आगे चल रही होगी ऐसे करके, तो जो इस कोण से, इस पॉइंट से जो मध्यका खींची जाएगी, वो अपोजिट लाइन को सामने, इस एंगल के सामने वाली लाइन को दो बराबर भागों में बांट देगी, दो बराबर भागों में बांट देगी। मान के चलिए ये डी पॉइंट पे इसने कट कर दिया, ठीक है। अब ट्रेंगल से आप पढ़ चुके हैं कि समान भुजा के सामने के कोण भी समान होते हैं, इसलिए इसके सामने का ये कोण, इसके सामने का ये कोण, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। अरे बात समझ में, चलिए कोई बात नहीं। मध्य का ये थोड़ा ऐसे करके खींच लेंगे तो ये ज्यादा ठीक सा लगेगा, वरना ये एंगल थोड़ा गड़बड़ सा ही लग रहा है, आप ये कहेंगे कि ये ठीक सा ही लग रहा है, ठीक है। तो इस यहाँ से हम मीडियन खींचेंगे ऐसे करके, चलिए हम प्रॉपर नॉर्मल बात पे आते हैं, यहाँ से मीडियन खींचेंगे ऐसे करके, डी ई एफ, हम बताना जो चाह रहे हैं वो ये। तो जहाँ पर ये तीनों मध्यकाएँ काटेंगी उसको हम केंद्रक कहते हैं, केंद्रक या सेंट्रॉइड,
ठीक। इसकी जो प्रॉपर्टी निकल के आती है सेंट्रोइड की, वो ये आती है कि ये जो केंद्रक है, केंद्रक ये एक काम करता है कि ये जो मध्यिका है, जो ये मध्यिकाओं से कट करके आया है, इस मध्यिका को 2:1 के अनुपात में काट दे बांट देता है। यानी अगर इसे हम ओ पॉइंट कह के चलें तो हम कह सकते हैं ए ओ अनुपात ओ डी इज इक्वल टू रेज 1। ये हर एक के लिए ऐसे ही होगा, ओ बी अनुपात ओ ई इज इक्वल टू रेज टू 1। इसी तरह से ओ बी, ये बी ओ कहें ओ बी कहें कोई दिक्कत नहीं, सी ओ ओ एफ इज इक्वल टू रेज टू 1। यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर हम लेते हैं तो ये कब काम आएगा उसके लिए देख ले रहे हैं। एक क्वेश्चन अगर हम ले रहे हैं कि कोई भी ट्रेंगल दिया हुआ है जिसमें उसके ऊपर वाले पार्ट, यानी कि कोई ट्रेंगल है, इसकी ये एक मध्यिका है ए बी सी डी और इसका सेंट्रोइड जो है ओ है, तो ओ ए या ए ओ गिविन, ये गिविन है, मान लीजिए इसकी वैल्यू दी हुई है 36, ठीक है। तो वो पूछ लेंगे कि जी आप बता दीजिए ओ डी की वैल्यू क्या होगी, नंबर एक, या फिर पूरी मीडियन की वैल्यू क्या होगी। तो आपको ये पता है कि यहां तक की वैल्यू पता है आपको, अच्छा इसका अगर हम रेशियो निकालते हैं तो वो क्या होता है ए ओ रेस टू ओ डी 2:1 का अनुपात होता है। तो ये दुगनी है तो ये एक गुनी है, इसका मतलब ये वाली जो है इसकी आधी होगी, ऐसे ही समझ लीजिए ए ओ ओवर ओ डी इज इक्वल 2/1 या ओ डी इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए ओ ए। इसको हम पलटें, इसको हम पलट दें ऐसे करके, थोड़ा ऐसे कर लीजिए ओ डी ओवर ए ओ इज इक्वल टू 1/2। तो अगर दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ए ओ उधर चला जाएगा तो 1/2 हो जाएगी, यानी ओ डी इज इक्वल टू हो जाएगी 1/2 ऑफ ओ ए, ओ ए 36, तो ये होगी 18। अब ये अगर दोनों को पूछता है कि ए डी क्या होगी, तो ए डी इज इक्वल टू हो जाएगी ओ ए या ए ओ प्लस ओ डी, इट मीन्स 36 प्लस 18 मीन्स 4, क्लियर। तो फ्रेंड्स इस तरह से, अच्छा हाँ, ये सब जो वैल्यूज चल रही हैं, ये हम जैसे 36 कह दिया तो ये सेंटीमीटर या मीटर होंगी, ठीक है, सेंटीमीटर होंगी, मीटर होंगी, मिलीमीटर होंगी, ऐसा होगा। ये जो वैल्यूज हम कहीं पे भी लेके चलें उसका यूनिट ना लिखें तो आप कंसिडर, अगर लिखेंगे तो वो मेंशन हो ही जाएगी अगर दी होगी तो, नहीं तो फिर वो यूनिट में ही जाएगा और उसकी कोई ना कोई यूनिट, क्योंकि लेंथ की कोई ना कोई यूनिट हुआ करती है। इस तरह से हमारा ये चैप्टर लगभग फिनिश हो जाता है और जो मीडियन के द्वारा दो त्रिभुज बनते हैं वो बराबर होते हैं, सामने वाली भुजाओं को दो बराबर भागों में काटता ही है, और ये मध्यिका को यानी मीडियन जो है, सेंट्रोइड जो होता है, वो मध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित कर देता है। ओके फ्रेंड्स, ये इस तरह से हमारा पहला पार्ट त्रिभुज का पार्ट 1 फिनिश होता है। फ्रेंड्स ये जो बुक, जहाँ से भी मैं ये स्टडी कर रहा हूँ या आपको, आपके साथ मैं जो भी स्टडी कर रहा हूँ, ये एनसीईआरटी की बुक से है, और एनसीईआरटी की बुक अगर आपको नहीं मिलती है मार्केट में तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी एक लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप उसे ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, फ्रीली डाउनलोड हो जाती है, फ्री में डाउनलोड हो जाती है, चाहे तो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, धन्यवाद दोस्तों। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या किसी स्पेशल टॉपिक
पे आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपके कमेंट एक ही टॉपिक पे बहुत ज़्यादा रहे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, वरना टर्न बाय टर्न तो हम चल ही रहे हैं। ये हमारा, ये मान के चलिए कि हम पार्ट वन में हैं, त्रिभुज के पार्ट वन में हैं, ट्रायंगल के पार्ट वन में हैं, तो इसका पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर तब तक चलते रहेंगे जब तक इसकी थ्योरी फिनिश नहीं हो जाती। अभी हम ज्योमेट्री में पढ़ रहे हैं, मेंसुरेशन में पढ़ेंगे तो वो एक अलग बात होगी, फिलहाल हम ज्योमेट्री में त्रिभुज की स्टडी कर रहे हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू टू बी विद मी।